नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सरयू नदी का जल स्तर बीते 24 घंटे से आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर से भी कम नीचे रह गया है और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरयू नदी के कछार में बसे गाँव में किसी भी समय तबाही होने का खतरा बढ़ गया है। नदी के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए लोगों में सिकन है। मांझा क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अयोध्या से सटे ग्रामीण क्षेत्र पूरा बाजार इलाके में पिपरी संग्राम गांव में लगातार कटान जारी है, जिससे न सिर्फ फसल तबाह हो रही है बल्कि आने वाले दिनों में नदी के रौद्र रूप लेने पर भी भारी तबाही हो सकती है। फिलहाल एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए कहा है। सरयू नदी के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए न सिर्फ ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है बल्कि प्रशासन ने भी एहतियाती प्रयास शुरू कर दिए हैं और अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है। अयोध्या में मौजूद केंद्रीय जल आयोग रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और मानसून की बारिश ने नदी के जल स्तर में वृद्धि की है और आगे से मिल रहे अनुमान के मुताबिक नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने की संभावना है। नदी इस समय 1.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि इसके पहले कार्तनिया घाट पर डेंजर जोन 136.780 है, लेकिन अभी स्थिति 134.8 है। वहीं पलिया कला में नदी का जल स्तर डेंजर जोन लेवल क्रॉस कर चुका है। सरयू जी का जल जो है किस हिसाब से बढ़ा, कितनी मिनट में बढ़ा है? अभी जो नदी का जल स्तर है वो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। क्या इससे कोई खतरा या कोई परेशानी दिक्कतें? हाँ, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा कटान शुरू हो जाएगी और आसपास जो गांव होंगे उसमें नुकसान होगा। अभी कोई खतरे निशान से ऊपर नहीं गया? नहीं, अभी खतरे निशान से लगभग 1.5 मीटर अभी नीचे है। नदी में बढ़ाव जारी है, अभी बढ़ाव ऊपर चली जाए बढ़ाव जारी रहेगा। क्या नाम आपका? विनय कुमार कुशवाहा। रायबरेली जिले के उचाहार में हुए रोहित शुक्ला समेत 4 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में 4 बूंदियों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी संतोष कुमार राय को सौंपा गया, जिसमें लोगों ने मृतक परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने, पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी, उक्त प्रकरण की जांच, मृतक परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में विशाल मिश्र, देवकी नंदन पांडे, सुमित तिवारी, अर्जुन दुबे आदि लोग मौजूद रहे। क्या मामला है, आप आज यहाँ पर डीएम से मिलने हैं, क्या मामला है पूरा मामला? ये रायबरेली जनपद में रोहित शुक्ला और उनके साथियों के साथ, 4 साथियों के साथ जो अमानवीय घटना घटित हुई है, उसके विरोध में हम छात्र नेतागण आज जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद को ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि हम रायबरेली जाना चाहते थे। वहाँ के SDM से वार्ता हुई, उन्होंने कहा यहाँ जब आपको जाने नहीं मिलेगा, प्रतिबंधित सरकार के द्वारा रोक लगी है, तो इसलिए अपने जिले के संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते हैं। क्या मांगे हैं? जी, मांगे ये हैं कि उनके परिवार को 1 नौकरी दी जाए, पीड़ितों के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच हो, मृतक के परिवार को सहायता राशि। आज सोशल ऑडिट महासंघ के जिला अध्यक्ष राम नरेश के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में लिखा कि पूरे प्रदेश में सोशल ऑडिट के लगभग 45,000 सदस्यों का वर्ष 2016-17 में चयन किया गया था, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। विगत 10 मई से लखनऊ में धरना भी जारी है, लेकिन सोशल ऑडिट के कर्मियों के संदर्भ में अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है, जिससे सोशल ऑडिट के सदस्यों में रोष व्याप्त है। सोशल ऑडिट के सदस्यों ने अपनी मांगों पर मुख्यमंत्री जी विचार करने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र मोहन, जयप्रकाश मिश्र, राम कुमार यादव, सविता कुमारी, सावित्री देवी आदि मौजूद रहे। क्या मांगे हैं, क्या है बताएं? सर, हम उत्तर प्रदेश सोशलाइट से हैं। हम लोग 2012 से लगभग कार्य कर रहे हैं और सोशल ऑडिट जो दूर दूर जो है गांव में हम लोग सोशल ऑडिट कर रहे हैं। इसका जो है सोशल ऑडिट किस चीज़ का करते हैं, कहाँ आप कहाँ अपॉइंटमेंट हैं? क्या हम ग्राम विकास निदेशालय से हैं। हमारा 2012 से जो है चयन हुआ है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हम संविदा के रूप में और मनरेगा और इंदिरा आवास का हम लोग जो का कार्यभार दिया गया था निदेशक के, उसका सोशल ऑडिट कर अब हम लोगों को निकाला जा रहा है। हम लोगों की ट्रेनिंग भी हो गई है बराबर, हम लोग कहीं कौन निकाल रहा कर रहे हैं इसकी निदेशालय कौन निकाल रहा है आपको निदेशालय? अच्छा, इसके खिलाफ आप कार्रवाई किया, कुछ करने की मांग किया? इसके खिलाफ हमारा धरना जो है 60 दिन से, करीब करीब 60 दिन से जो है 60 दिन से लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, हम लखनऊ में अपने लखनऊ में किया आपने और आज यहाँ फैजाबाद के मुख्यालय पर हैं आप। जी जी, और अभी तक कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? जी मैं नहीं, इसके अभी इसके अगर मान लीजिए आज यहाँ पर आंदोलन आप कर रहे हैं विगत 60 दिनों से, अभी तक कोई अधिकारी आपके मामलों को संज्ञान में नहीं लिया? नहीं, हम जी हम लोग जो है लखनऊ लक्ष्मण मेला मैदान में 60 दिन से डटे हुए हैं, जिसमें से 2 बार हमारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात हो गई। उनके पूर्ण आश्वासन के बावजूद हमारी जो 3 मांगे हमारे यहाँ बैनर पे हैं, 2016-17 की जो चयनित सोशलाइट सदस्य उनका नवीनीकरण किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए। तीसरी है जो दूर दराज हम लोग गाँव में सोशलाइट करने के लिए जाते हैं, उसमें यात्रा भत्ता का प्रावधान किया जाए। जिसमें मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी शासन प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारा शासन आदेश नहीं जारी कर रहे हैं, जिसके 60 दिनों के तहत हमारे रायबरेली ज़िले से विवेक भाई एवं आरती अब अवसादग्रस्त होके उनका जो है विवेक भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो अपना आपक हो गए थे और घर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत भी हो गया है और आरती देवी जी का हार्ट अटैक हो गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के भ्रष्टाचार से फार्मरिस्ट फाउंडेशन ने आज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशि भूषण ने आज मंडलायुक्त फैजाबाद को दिए ज्ञापन में औषधि निरीक्षण एवं औषधि लिपिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि औषधि लिपिक ब्रिजेंद्र मिश्रा लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर सभी लाइसेंस धारकों को परेशान करते हैं तथा किसी भी फार्मासिस्ट द्वारा लाइसेंस की फाइल जमा करने पर उसकी रिसीविंग ना देकर दौड़ाते रहते हैं। ब्रिजेंद्र मिश्रा बाबू जो कि औषधि लिपिक हैं, वे बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं करते हैं और धमकी देते हैं, जाओ जहां शिकायत करना हो कर लो, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मेरी पहुंच काफी ऊपर तक है, जो भी करना हो जाओ कर लो। इस संदर्भ में फैजाबाद फार्मासिस्ट फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार दुबे जब अपने लाइसेंस के बारे में पता करने बाबू के पास पहुंचे तो उन्होंने दुबे जी से अभद्रता करते हुए उन्हें धमकाया। इसके पूर्व भी महामंत्री अजीत श्रीवास्तव को भी बाबू ने अभद्रता करते हुए धमकाया था। इसकी कई बार शिकायत सीएमओ से किया जा चुका है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह आज इसी संदर्भ में मंडलायुक्त को ज्ञापन देने जा पहुंचे। फैजाबाद जनपद के यहाँ पर जो है तिकोनिया पार्क में आप बैठे हुए हैं तहसील तिराहे पर, क्या मामला है आप लोगों का? कैसे मामला है? हमारे जिला अध्यक्ष हैं संगठन के विष्णु दुबे जी, ये गए थे DI ऑफिस में औषधि खाद्य औषधि एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग में गए थे फैजाबाद के, तो इनको था रिसीव कराना फाइल किसी फार्मासिस्ट का लाइसेंस बनवाने के, इनके साथ वहाँ के औषध लिपिक ने बदतमीजी की, इनको बेचूता मारने के लिए कहा विजेंद्र मिश्रा जी ने और धमकी दी। उसी बदसलूकी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है फैजाबाद में औषध विभाग में। आपने किससे की इसकी शिकायत? हमने जिलाधिकारी से की, DLA से की, मैंने लिखित अपने पैड पे इसकी शिकायत ड्रग कंट्रोलर से की, अपर आयुक्त से की, क्या ऑनलाइन भी शिकायत हम लोगों ने की। मिला मिला कुछ मिला आश्वासन? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन तो मिला लेकिन कुछ कार्रवाई। आज यहाँ पर बैठे हैं आप धरने पे, अगर इस नहीं हो रहा है कुछ हल तो क्या करेंगे आप? इसके बाद हम लोग धरना हम लोग का चलता रहेगा नवरात, और अगर फिर आश्वासन मिल रहा है उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। क्या नाम आपका है? शशि भूषण सिंह नाम है मेरा। क्या प्रकरण है पूरा आप बताएं, कैसे क्या है?
मैं वहाँ पर ये लाइसेंस के लिए फाइल रिसीव कराने गया था। कहाँ पर? डीआई ऑफिस। अच्छा। तो वहाँ पे विजेंद्र मिश्रा अवसर लिपिक हैं, उन्होंने मेरे हमसे जो है उनकी सीधी बात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 20 जूता मारूंगा और तुम चारों तरफ इधर उधर शिकायत करते रहते हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा। तो आपने उनके खिलाफ NCR दर्ज कराया कोतवाली में? नहीं नहीं, NCR नहीं दर्ज कराया, हम लोग DM के यहाँ शिकायत दिए थे इस चीज़ का। और लेकिन अभी तक ये मामला विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की दिया गया था, लेकिन लिखा था। मामला कब का है? ये 8 तारीख का है। 8 तारीख का, तो 8 तारीख से अभी तक कोई कार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने दर्जनों शिकायतें की है, काफ़ी शिकायत की हम लोगों ने कई लोगों से, लखनऊ तक शासन से लेके। और यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई। तो आज जो आप यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं आप? हम लोग सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं धरने पे। और अभी कोई अधिकारी आया नहीं? अभी तक कोई मिली नहीं है। अगला कदम क्या होगा आज के बाद? अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनी जाती तो हम लोग दो भूख हड़ताल में बैठेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? उसके बाद नहीं होगा, अगर नहीं सुनते हमारी बातें तो हम लोगों का आंदोलन और उग्र हो जाएगा और हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए जो है हमें बाध्य किया जा रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर क्या नाम है? मनोज रावत, बाराबंकी, जिला उपाध्यक्ष